स्टार मैक्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ देखते रहिए स्टार मैक्स। आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हूँ कैमरामैन विशाल के साथ आरआर यादव। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मनोज महेश्वर सर जी, आपने फिल्मों की शुरुआत कहाँ से की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फिल्मों की शुरुआत 1998 में जब मैंने पद्मिनी कोल्हापुरी स्कूल ऑफ एक्टिंग से एक्टिंग का कोर्स किया, उसके बाद थिएटर्स किए, दिल्ली से मैंने शुरुआत की और दिल्ली से बॉम्बे आ गया और 2000 से आज 2016 है, पूरे 16 साल मुझे हो गए इस क्षेत्र में, एक्टिंग के फील्ड में, प्रोडक्शन के फील्ड में और फिल्म के फील्ड में। वो हमें एक यादगार पल बताइए आप जो फिल्म से जुड़ा हो। यादगार पल तो बहुत सारे हैं, ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा यादगार पल ये है कि फिल्म बनाने का शौक, फिल्मों में काम करने का शौक 1998 से ही आ गया था और बड़ी मुश्किल से मौका मिला फिल्मों में काम करने का, फिल्म लाइन तक पहुंचने का, और बहुत जद्दोजहद करने के बाद जब बहुत अच्छा बहुत बढ़िया ब्रेक ना मिला तो फिर मैंने प्लानिंग किया खुद प्रोडक्शन हाउस डेवलप किया जाए, ताकि अपने साथ साथ मैं और भी बहुत सारे नए कलाकार जो हमारे जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं बॉम्बे में और इंडिया में फिल्म के क्षेत्र में, उनको मैं मंच दे पाऊँ। और यादगार पल ये रहा कि मैं सिर्फ 3000 रुपये हाथ में रख करके मैंने पहली फिल्म, भोजपुरी फिल्म थी मेरी कलयुग के भाई वाला ऐसा, मैंने उसको लॉन्च किया था, मुहूर्त किया था। थैंक यू सर। मुझे ये बताइए आपका ये जो बैनर है उसका पूरा नाम बताइए, उसमें क्या क्या वर्क होता है, पूरा इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए मुझे। मेरा बैनर है महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल, मैंने 2005 में इसको लॉन्च किया था और मेरी पहली फिल्म थी कलयुग के भाई बोला ऐसा। मैं ये ट्राई करता हूँ कि मेरी किसी भी फिल्म में कम से कम 90% कलाकार हमारे अपने इंस्टीट्यूट के हो, और उस समय 2005 में मैंने अपने MFI एक्टिंग इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया था और उसी साल मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट और प्रोडक्शन हाउस दोनों लॉन्च किया था। आपका अभी जो क्लास चल रहा है उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं और उनका क्या क्या काम है, उसके बारे में बताइए। अब तक तकरीबन मेरे ख्याल से 1200 कलाकार से ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट से निकल चुके हैं और लगभग हम लोग कोशिश करते हैं कि 350-400 कलाकार हर साल कहीं ना कहीं हमारे वेब सीरीज में हो, सीरियल्स में हो, फिल्म में हो, म्यूजिक वीडियो में हो, प्रमोशन पाले और उनका स्ट्रगल का जो दौर है थोड़ा आसान हो जाए, उनको पहला ब्रेक पाने के लिए 4-5 साल का सफ़र तय नहीं करना पड़े। हमारे ऑडियंस आपके स्टूडेंट भी हैं, हमारा पूरा देश है और हमारी पूरी टीम है मीडिया की, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बस हम चाहते हैं कि हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट दें। हम जो फिल्में पेश कर रहे हैं नए कलाकारों को लेकर, बहुत से लोगों में ये भावनाएं हैं कि नए कलाकारों को लेकर के फिल्में चलती नहीं हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो आज की ऑडियंस नए कलाकार, नए स्टारकास्ट की फिल्में बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग वेलकम करते हैं, देखते हैं फिल्में, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मीडिया है, हमारे जो पब्लिक है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान से बाहर जो हमें देख रहे हैं, हमारी फिल्मों को वेलकम करें, हमारी फिल्मों को लाइक करें, ताकि हमारे फिल्मों के जरिए हमारे जो नए नए उभरते कलाकारों को जो मौका मिल रहा है उनको प्रोत्साहन मिले और समाज में ये फिल्म समाज का आईना के रूप में पेश आए। थैंक यू। आप कौन कौन सी फिल्म करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्लानिंग तो मेरी है 5 लैंग्वेज में काम करने की फिलहाल, जिसमें कि हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, गुजराती और मराठी आती है। फिलहाल हमने अभी भोजपुरी में, हिंदी में फिल्म बनाई है, कई सारी फिल्म बनाई है और अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बंगाली में भी, और अभी हमने जो फिल्म लेटेस्ट फिल्म जो टुडेज लास्ट नाइट जो आने वाली फिल्म है हमारी, जो तकरीबन मई में रिलीज होगी, उसको लेकर के व्यस्त है। और फ्लोर पे कितनी फिल्में आपके हैं अभी? हमारी फ्लोर पे मतलब 5 फिल्में हैं, जिसके इश्क, इश्क में हो यूं कभी, 300 डेज, और उसके अलावा इस सारी हिंदी फिल्में हैं, इसके अलावा कई क्षेत्रीय फिल्में भी हैं जैसे छोड़ गई लिपिया परदेश, तुम्हारा पे कुर्बान, बिहारी बलम वगैरह वगैरह।
आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस मीडिया के लिए दिया, स्टार मैक्स टीवी न्यूज़ पूरी टीम आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती है। आपने कीमती वक्त दिया इसलिए थैंक यू, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। थैंक यू जी। मेरा नाम सिद्धार्थ सैंगर। सैंगर जी, ये जो माहेश्वर फिल्म है बहुत सारा काम करती है और आप भी बहुत सारे काम करते हैं इसमें, पूरे रोल के बारे में बताइए, कितना कितना रोल इसमें आपका है? तो इसमें मैं बहुत अहम भूमिका में हूँ। मैं एक चीफ मिनिस्टर का किरदार निभा रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर बहुत ही पॉजिटिव है और रोल इस तरह से है कि मतलब मैं देश के प्रति अपने घर की भी कुर्बानी दे रहा हूँ। यहाँ तक कि फिल्म के बारे में अगर मैं पूरा विस्तार से बताऊँ तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिल्म दर्शक जाएंगे थिएटर में देखेंगे, उसके बाद ही उन्हें ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें मेरी भूमिका बहुत अहम है और बहुत पॉजिटिव। हमारे ऑडियंस को आपका क्या मैसेज है, क्या बताना चाहेंगे आप अपने निजी लाइफ के बारे में? मैं ऑडियंस से यही कहूँगा कि मतलब एज अ कलाकार किसी को भी बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कलाकार बेसिकली बहुत इमोशनल होते हैं और अपने काम के प्रति उनको लॉयल होना चाहिए और काम मन से करना चाहिए। कौन सी फिल्म आपकी फ्लोर पे है, कौन रिलीज होने वाली है, इसके बारे में बताइएगा। जी, मैं तो हिंदी भी किया हूँ और भोजपुरी भी किया हूँ। हिंदी फिल्मों में अभी हाल ही में मैंने करण जौहर की फिल्म ब्रदर्स की थी, उसमें एक फाइट मार्शल का रोल था, और उसके पहले मैंने अनुपम खेर जी के साथ 21 लोगों की सलामी की थी, उसमें मैं उनके बॉस के किरदार में था। और आने वाली फिल्मों में एक भोजपुरी फिल्म है ले आई दुल्हनिया पाकिस्तान से, और मैं टीवी सीरियल कंटिन्यूस करता रहता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं घर घर खेली राशि प्रोडक्शन की एक टीवी सीरियल थी जो जी टीवी पे आती थी, उसमें मामा का मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था, काफ़ी अच्छा ट्रैक था वो। फिर सतरंगी ससुराल जी टीवी पे, उसमें एक फादर का नेगेटिव कैरेक्टर किया था, और सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, CID वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ मैं करता रहता हूँ। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस ऑडियंस के लिए दिया, हमारी मीडिया के लिए दिया, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हमेशा आप माहेश्वर फिल्म के साथ जुड़े रहिए और कुछ हमेशा नया कुछ करते रहिए। और मैं सर जानना चाहता हूँ, कुछ अपना एक डायलॉग बोलिए जो आपने फिल्मों में किया होगा, कुछ इस बारे में जानना चाहता हूँ, नेगेटिव क्या डायलॉग आपका है? नेगेटिव डायलॉग ये है कि यहाँ मैं घर घर खेली में मैंने एक मारवाड़ी मामा का कैरेक्टर किया था, जिसमें डायलॉग था, अरे घुघरू या मैडम बड़ी होशियार है, लोमड़ी से भी ज्यादा होशियार है, ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो अपने कब्जे में करना होगा। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। थैंक यू। आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए स्टार मैक्स टीवी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।